साड़ी पहन दे। ये अवसर है आप आंदोलन का योगदान करने का। यह साल साफा आंगन आजमगढ़ की अभियान का वियोगी संयोग का तो बात है। हम अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर बताया था कि यह पूर्ण विराम नहीं अल्प विराम है, बल्कि मैं उसको संशोधन करना चाहूँगा कि एक चैप्टर बदलता है, होता कुछ नहीं है, एक चैप्टर बदलता है। यहाँ से स्थानांतरित हो रहा है मात्र, पुनः हम आशा रखेंगे कि यह स्थानांतरित शख्सियत जिनकी खुशी इतनी अधिक थी यहाँ आएंगे और आज जो यहाँ पधारे हैं अतिरिक्त प्रभार है इनका, परंतु अतिरिक्त प्रभार में जो प्रतिभाएं अद्वितीय होती है, जिनके अंदर विशिष्टता होती है, मैं भी बहुत सुना था प्रतिष्ठा साहब के विषय में। इनके कक्ष में जाकर दो एक मिनट की वार्तालाप रघुनाथ बाबू के साथ हुई थी, क्योंकि रघुनाथ बाबू मेरे मित्र थे, साथ ही हम लोग इंस्ट्रक्टर के पद पर योगदान किया था, तो संभवतः श्रीमान का स्मरण नहीं रहा होगा मेरे विषय में या नहीं याद आता होगा, परंतु इनके कक्ष में जाकर हमारी मुलाकात हुई थी। इनके विषय में भी हमने बहुत जाना हुआ है, हमको पता है आया है। जैसा मैं पूर्व में ही कहा था, इनके खुशामद पर हम बहुत हर्षित हैं और बहुत आशाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं। अतिरिक्त प्रभार में रह करके भी यहाँ के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त कर अपना एक लकीर ऐतिहासिक लीग खींच सके, करना है काम। प्रभार अतिरिक्त हो या पूर्ण प्रभार हो, कहीं कमी नहीं आती है जब हमारे अंदर हौसला और बुलंदगी है काम करने का। उम्र दराज मान के लाए थे, चार दिन दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, अब जो कोसने वाले हैं वो कोसते रहेंगे कि बद है कितना बदनसीब, जफर जफन के लिए दो गज जमीन मिली कुएं यार में, वो नहीं मिलेगी उनको, उनकी बदनसीबी या उनकी मजबूरी। परंतु जो काम करने वाला शख्स है वो घंटा भर के अंदर भी जा करके अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ देता है। और इनके आने के पूर्व भी यहाँ पर एक समा बना हुआ था, 8 तारीख के आगमन की तिथि सुनिश्चित थी। हमारे निवर्तमान प्राचार्य भी बिल्कुल तत्पर थे, उस दिन भी हम लोगों ने एक आयोजन करके रखा हुआ था, परंतु संयोग था अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं अपने अध्यक्षीय संबोधन में चूंकि ज्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं कहूँ और ज्यादा अपेक्षा रखूँ और मैं स्वयं नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आप इनके सानिध्य में रफी साहब पूरे झारखंड के औद्योगिक संस्थान के लिटरेचर में एक नाम है, इसको आप स्मरण रखिएगा और ये जाने जाते हैं अपने उस नाम से, इसलिए इनका हमको लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चाहे ये इनकी यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार हो, आपका सहयोग मिलेगा, कार्य होगा और इससे हमारी बड़ी अपेक्षा है। पूर्व प्रचार के शुभ का मंगल कामना, उनकी दीर्घ आयु तथा अनेक अनेकानेक मंगल कामनाओं के साथ हम विदाई देते हैं और इनका सर्वोत्तम करते हैं आपके अपने अतिरिक्त प्रभार में जो आएंगे प्रचार का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का मैं अध्यक्षीय संबोधन समाप्त करता हूँ और आगे की कार्रवाई।